जय हिंद दोस्तों, फिलहाल हैं हम रायपुर जंक्शन के बाहर और आज एक स्पेशल वीडियो, मेरी फेवरेट ट्रेन। आप सबको पता है मेरी फेवरेट ट्रेन कौन सी है, वाइजाग स्टील समता सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि विशाखापट्टनम से हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच चलती है। तो उसमें आज फाइनली 18 ईयर्स के बाद वो उसके स्टार्ट हुए, 18 साल बाद आज उसमें फर्स्ट एसी का कोच लगा है। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि उसमें फर्स्ट एसी लग गया है, तो इसीलिए मैं इस स्पेशल मोमेंट को आप सबके साथ शेयर करने के लिए आज ये स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ। तो अभी होप आप इसको एंजॉय कीजिए। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जल्द से प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग देखते हो लेकिन प्रेस नहीं करते, तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो देख सकते हो भाई, स्टेशन के बाहर कुछ ऐसा है, रायपुर जंक्शन के बाहर में है। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं। तो अमन भाई भी आज साथ में, अरे वो देख सकते हो भाई भी है। और अभी अपन चलते हैं। क्या होगा तो स्टेशन में आपको एस्कलेटर वाला सर्विस भी मिल जाता है, जो कि अच्छा है। और आप देख सकते हो अपनी ट्रेन का वहाँ पे 7:10 पे आएगा करके दिखा रहा है, प्लेटफॉर्म 2 पे। तो चलिए चलते हैं स्टेशन में, चलते हैं उसके बाद देखते हैं ट्रेन कितने देर में आता है, ऑन टाइम आता है लेट आता है, वो तो अभी हम लोग चेक कर ही रहे हैं। ट्रेन ऑन टाइम ही चल रहा है, देखते हैं रायपुर में ऑन टाइम में आता है कि नहीं। आउटर में बहुत देर रोक देता है ट्रेन को, तो चलिए पहले चलते हैं, उसके बाद आते सीधा मैं प्लेटफॉर्म पे मिलता हूँ। भैया कॉफ़ी, दो कॉफ़ी दे दो। तो देख सकते हो अभी ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 है रायपुर जंक्शन का, जिसमें आपको पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो आपको प्लेटफॉर्म 2 में भी अच्छा खासा स्टॉल्स मिलता है, आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो यहाँ से। देख सकते हो भाई लोग, अभी अपन लिए हैं कॉफ़ी लिए हैं, और अमन भाई से पूछते हैं ट्राई करके, भाई कैसा लग रहा है, ट्राई करके बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, एक मिनट सच बताओ भाई। हाँ भाई सही। तो भाई रायपुर जंक्शन में आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो, प्लेटफॉर्म 2 में हमने लिया है, और टेस्ट अच्छा है, एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, कॉफ़ी का टेस्ट ठीक है, 10 रुपये का कॉफ़ी है, देख सकते हो कितना दिया है। तो चलिए अपन ट्रेन का वेट करते हैं, ट्रेन ऑलमोस्ट आने को है, ऑन टाइम चल रहा है। बाकी रायपुर के पहले उसको फ्लैग मिला हुआ है, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बाकी ट्रेन आता है उसके अब सीधा मैं आपको अराइवल पे मिलता हूँ। तो देख सकते हो भाई लोग, आ गया है मुंबई LTT विशाखापट्टनम सुपर फास्ट एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 का। पहले 2 पे आती थी, रेगुलर प्लेटफॉर्म पहले 2 का था, अभी 5 हो गया है। रूट इलेक्ट्रीफाइड हो जाने के बाद से प्लेटफॉर्म 5 हो गया इसका, नहीं तो 2 पे पहले आता था और इसका लोको चेंज होता था इलेक्ट्रिक टू डीजल। और आज भिलाई के गोयल TMT वेब 7 के साथ आई है, तो देख के अच्छा लगा, अपने होम टाउन का लोको इसमें यूज़ हुआ है। बाकी देखते हैं समता और कितने देर में आएगी, बाकी टाइम आप देख सकते हो 18:46 में 6:46 हो रहा है, और प्लेटफॉर्म 2 या 3 पे आएगा समता। तो चलिए वेट करते हैं। देख सकते हो भाई, ये अमन सिंह मेरा दोस्त, अमन सिंह, और अमन सिंह का अनाउंसमेंट हो रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, सुनिए, पहचान पत्र वापस ले, सुन सकते हो अनाउंसमेंट हो रहा है, आधार कार्ड रोक गया, मतलब छोड़िए बोलते हैं अमन सिंह का, और ये मेरा भाई भी है अमन सिंह है, तो और ये भी छपरा का ही है। तो भाई देख सकते हो ऐसा होता है, तो रायपुर स्टेशन में बाकायदा अनाउंसमेंट भी होता है कि आपका कुछ छूट गया तो आप आके उसको ले जा सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देख सकते हो, तो निकल गई, अब समता आएगी। तो देख सकते हो भाई लोग, आ गया समता सुपर फास्ट, भाई भी बना रहा है, उसको मैं बोला हूँ स्लोमो बनाने के लिए, शॉट बनाने के लिए, तो शॉट बना रहा है भाई। ग्रैंड अराइवल ऑफ समता सुपर फास्ट टुडे विथ फर्स्ट एसी क्लास। तो गुलाकाबाद के WAP 7 के साथ आया है, विशाखापट्टनम से निकलते टाइम मैं पता कर लिया था डायरेक्ट, और देख सकते हो तुगलाकाबाद WAP 7। स्वर्ण जयंती के साथ रेक शेयरिंग होता है इसका, तो स्वर्ण जयंती का भी बोर्ड लगा हुआ है। तो देख सकते हो भाई, आ गया अपना कोच, चलिए बोर्ड होते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो भाई, आ गए अपन फर्स्ट एसी के अंदर में, और कूलिंग अच्छा है, ठीक है, आज पहली बार लगा इसमें फर्स्ट एसी। तो देख सकते हो, आ गए हम अपने सीट पे,
और ये केबिन बोलते हैं इसको, यहाँ से स्टेयर्स है देख सकते हो, और चार्जिंग सॉकेट है ऊपर के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ पे भी है लाइट फैन देख सकते हो, और एसी का कुछ ऐसा है, रीडिंग लैंप भी दिया है, और स्टेयर्स, और आजकल तो पिलो और बेडरोल भी मिलते हैं। बाकी कुशनिंग ठीक है जैसे रहता है फर्स्ट एसी में, एलएचबी फर्स्ट एसी में जैसा रहता है वैसा, और कर्टन्स, और भाई चालू करो उसको एलईडी लैंप रीडिंग के लिए, जिधर आपको मोड़ना है मोड़ सकते हो, और बाकी बाकी तो हम लोग सफर अच्छे लग रहे हैं। बाकी बाजू में लोकल ट्रेन खड़ी है, तो चलिए आज देखते हैं फर्स्ट एसी में कैसा रहता है एक्सपीरियंस। भाई फर्स्ट एसी कैसा लग रहा है? भाई का आज पहली बार है, बहुत अच्छा लग रहा है, भाई का फर्स्ट एक्सपीरियंस है फर्स्ट एसी में। तो चलिए देख, अब ट्रेन को मूव होने देते हैं, उसके बाद ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं। बाकी एसी ठीक चल रहा है ना भाई? एसी ठीक है। वैसे फर्स्ट एसी में यहाँ पे ये परफ्यूम वाला रहता है, देख सकते हो इंडियन रेलवेज का, इसमें ऑटोमेटिक परफ्यूम आते रहता है कुछ देर में, और फिलहाल तो मिरर उतना सही नहीं दिख रहा है, थोड़ा गंदा है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे थोड़ा ध्यान दे दीजिए इस पर। वैसे आज फर्स्ट एसी का मतलब इसमें पहले दिन है फर्स्ट एसी का, तो बाकी ठीक हो जाएगा टाइम के हिसाब से, और बाकी आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हो इसको, देखो लॉक हो गया। और ये स्टेयर्स तो आप जानते हो, वाटर बॉटल भी रहता है, चेन पुलिंग इधर है, और इसको ये मेरे को पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ वैसे कंट्रोलर हो सकता है, नहीं हला रहा। वैसे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा जरूर ठीक क्या है, वाला है बजा के बुलाते हैं ना। हाँ वैसे अटेंडर कॉलिंग बेल मैं आपको दिखाना भूल गया, ये है अटेंडर कॉलिंग बेल, इसको जैसे इसको अगर दबाएंगे तो अटेंडर आ जाएगा आपके कोच के पास, और ये नीचे में रखा हुआ टेबल, जैसे आप खाना खाओगे तो वो जब आएंगे भैया पैंट्री वाले तो वो टेबल को भी सेट करके आपको सब प्रोवाइड करेंगे। वैसे हमारा शॉर्ट जर्नी है तो हम तो पैंट्री से कुछ अभी नहीं लेंगे, वैसे अगर अब हम जैसे पूरा लास्ट तक जाते तो अब पूरा लेते भाई खाना वाना आपको सब दिखाते, वैसे हमारा शॉर्ट जर्नी है तो खाने का हम नहीं सोचें, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आप इन्जॉय कीजिए मेरे साथ फर्स्ट एसी का। कमेंट में बताना भाई कैसा है, दुरुक तक के लिए बुक किया हूँ मैं इसको, और मेरा एक जन का फेयर पड़ा है टोटल 1500 अप्रॉक्स, तो भाई और मेरा दोनों का मिला के 3000 को मैं बुक किया हूँ। बाकी इंटीरियर तो एक नंबर है भाई, एक नंबर है, बहुत अच्छा है। मैं उत्कृष्ट ट्रेन के फर्स्ट एसी में ट्रेवल किया हूँ, उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है भाई। वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, चलिए एंटर करते हैं। यहाँ पे मेरा ठीक है थोड़ी बहुत, और पानी यहाँ पे आ रहा है, टिश्यू पेपर भी है, और वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, बाकी ठीक है कोच का कंडीशन देख सकते हो। चलिए बाहर चलते हैं, तो देख सकते हो भाई लोग हो गया डिपार्चर अपना, यहाँ से रायपुर जंक्शन से डिपार्चर हो गया। भैया सुनिए ना एक मिनट, तो देख सकते हो भाई लोग यहाँ पे आपको हैमर भी मिलता है इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एसी में, जो और फायर वाला भी है, फायर एक्सटिंग्विशर डस्टबिन है, और उसके बाद पानी आ रहा है, बस मिरर गंदा है जो कि ईस्ट कोस्ट को थोड़ा ध्यान देने का, और ये तो देख सकते हो ऐसा, और ये वो, और ये एसी सेकंड टायर, एसी सेकंड काफी अंधेरा है, कोई मतलब नहीं है, चलिए चलते हैं। बाकी ये जो अटेंडर रहते हैं फर्स्ट क्लास के, वो भैया का यहाँ पे देख सकते हो कूप टाइप का है, जो कि यहाँ पे इनका बैग वैग रखा है, और इंडियन रेलवेज का फ़ैन, और नीचे चार्जिंग सॉकेट दिया, और यहाँ पे इनका रेस्ट करने का। बाकी एसी इधर भी है, एसी ठीक चल रहा है, और ये बताते हैं कि कहाँ से आपको मतलब बुलाया गया है, तो यहाँ पे भैया को अलार्म यहाँ पे बजेगा कि स्कोप या इस केबिन से बुलाया गया है, तो ये अच्छा है, और इधर तो पूरा है। चलिए बाकी मैं आपको फर्स्ट एसी का जो इसमें
नहाने वाला रहता है वो दिखाता हूँ। तो बाकी ये बाथरूम है, फर्स्ट एसी में जो नहाने का रूम रहता है, देख सकते हो यहाँ पे गीजर लगा है, शावर भी है देख सकते हो, सही है फर्स्ट एसी। चलिए चलते हैं बाहर, वैसे अपना तो कोई प्लान नहीं है नहाने का। तो चलिए अब भिलाई पावर हाउस के स्किप में आपको दिखाता हूँ, एंजॉय कीजिए। लीजिए दोस्तों पावर हाउस का स्किप देखिए, पावर हाउस रेलवे स्टेशन। स्किपिंग भिलाई पावर हाउस एट MPS। बाकी अपन ध्रुव पहुंचने को है, ध्रुव के आउटर में दोस्तों अभी देख सकते हो वाइशे ब्रिज का एंट्री हो रहा है और ट्रेन ऑन टाइम हो गया है, 8:15 को करेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे डालेगा बोला था। और देख सकते हो ये ध्रुव शहर का बाहर का व्यू। बाकी बिफोर टाइम अपन पहुंच चुके हैं ध्रुव जंक्शन, अब वापस जाने के लिए सोच रहा था अगर ट्रेन लेट होगा तो दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस के लिए, लेकिन ट्रेन तो बिफोर टाइम आ गया तो अपन को दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस मिल जाएगी तुरंत। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आती है समता एक्सप्रेस, तो अपन को प्लेटफॉर्म 4 में जाते हैं और सारनाथ पकड़ते हैं वापस भिलाई के लिए। बाकी ट्रेन को अराइव हो जाने दीजिए स्टेशन में, और ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करना है तो करो, नहीं करना है तो आपके ऊपर है। बाकी चैनल पर पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर से कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस में डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और आई होप प्लेटफॉर्म उधर है, तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, प्लेटफॉर्म 2 पे आने का है, प्लेटफॉर्म 3 पे डाला है। और ये बाजू में पार्सल वाली ट्रेन खड़ी है, तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे लगी है सारनाथ एक्सप्रेस, इसको पकड़ के अपन चलते हैं वापस भिलाई। और नॉर्मल है जाके चढ़ेंगे, अभी टाइम है बचा है, तो बस आपको अच्छा लगता है तो जो जो बोला हूँ सब कर दो, खाते पीते रहो, मस्त रहो और आपके साथ हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। बाकी समता एक्सप्रेस यहाँ से डिपार्ट करने वाली है, अनाउंसमेंट भी हो रहा है डिपार्चर वाला, तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों।